Hello, children. Good morning. Today I am going to teach you English subject, chapter number 3. Continue. Exercise number 5. Answer the following questions in one or two sentences. Answer the फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस तो नीचे आपको क्वेश्चन दिए है उसके आंसर वन और टू सेंटेंस में लिखना है बीच क्रीचर ऑफ अर्थ नीड वॉटर यानी उसमें बताया आपको कि पृथ्वी के कौन से प्राणियों को पानी की जरूरत है पृथ्वी के गया प्राणियों ने कौन से प्राणी को पानी की जरूरत है तो आंसर है ऑल लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ लाइक ह्यूमन विंग्स एनिमल बर्ड्स इंस्टेक्ट एंड प्लांट नीड वॉटर पृथ्वी करना तमाम यानी पृथ्वी में जो लोग सब जीव रहते हैं सबको पानी की जरूरत है जैसे कि आपको उसके नाम दिया है मन मनुष्य एनिमल प्राणी बर्ड्स पक्षी इंस्टेक्ट जीव जंतु एंड प्लांट यानी छोड़ सबको जो ऑल जीव है जो पृथ्वी पर रहते हैं वो सबको पानी की जरूरत है टू नंबर फॉर वेच एक्टिविटी इन वॉटर नीडेड इन योर हाउस फॉर वेच एक्टिविटी इज वॉटर नीडेड इन योर हाउस क्वेश्चन मार्क होता है इसमें आपके घर में पानी की जरूरत कौन सी प्रवृत्तियों के लिए आप करते हैं तो इस कांसर है इन आवर हाउस वॉटर इन फॉर मॉर्निंग प्रोसेस रिंकिंग कुकिंग बाथिंग वॉशिंग क्लोथेस एंड फिटनेस स्टील एंड क्लीनिंग द हाउस यानी हम पीने के लिए शवार के काम के लिए फिर पीने के लिए रसोई के लिए नहाने के लिए धोने के लिए कपड़े धोने के लिए और बर्तन के लिए हम घर की सफाई के लिए हम पानी को यूज करते हैं नंबर बी है दिया है नेम द सोर्स ऑफ वाटर नेम द सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी के स्रोत का नाम जनाना है आपको स्रोत यानी जहां से वो आता है तो रेन स्ट्रीम्स रिवर वेल और ट्यूबवेल पॉन्ड लेक्स एक्सटा आर सोर्स ऑफ वाटर नदी झरना रिवर्स बारिश झरना रिवर्स कुबे और ट्यूबवेल पौंड तलाव लेक सरोवर एक्सटा यह सब के स्रोत होता है जो पानी का और सोर्स ऑफ़ वाटर फोन नंबर फोन नंबर इन वॉट इज वाटर स्टोरेज इन योर हाउस इन वॉट इज वॉट इज वॉटर शोरेड स्टोरेज इन योर हाउस यानी तुम्हारे घर में आप अपने घर में पानी का संग्रह कैसे करते हो तो इन आवर हाउस वाटर स्टोरेड इन अंडरग्राउंड टंकी एंड इन आवर हैंड टैंक बिल्टे ऑन द टेरेस यानी हम पानी का संग्रह कैसे करते हैं घर में अंडरग्राउंड टंकी बनाते हैं उसके द्वारा और ओवरहेड यानी अपने टेरेस पे जो टंकी बनाते हैं उसके द्वारा हम पानी का संग्रह करते हैं इन अवर हाउस वाटर स्टोरेड इन इन अंडरग्राउंड टैंक एंड ओवरहेड टैंक बिल्ड on the terrace built and terrace five numbers two which place does rain water that fall on the ground flow away यानी इसके क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन से स्तरों से प्रसादी पानी जमीन के प्रवाह पर जाते हैं अंदर जाते हैं टू वेज प्लेस रेन वाटर डेट फॉल ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे टू रेन वाटर डेट फॉल ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे इंटू द अर्थ इंटू द गटर पॉन्ट एंड रिवर कहा से जाता है पृथ्वी के अंदर गटर के द्वारा तालाब के द्वारा और नदियों जो नदियाँ बहती है उसके द्वारा और लास्ट में वाटर डेट फ्लो इन टू द रिवर फाइनली फ्लो इन टू द सी और बाद में वो कहाँ मिलता है दरिया में जाते बह के वो नदियाँ होती है वो हो जाके दरिया से मिलती है और जमीन में उसका प्रवाह रहता है ग्राउंड अवे इन टू द अर्थ इन टू गॉटर डेट फ्लो इन टू द रिवर फाइनली फ्लो इन टू द सी लास्ट में वो समुद्र को जाके पी जाता है वो यानी नदी में से जो वही था पानी है वो लास्ट में दरिया में चला जाता है वट विल हैपन टू टूअर्स इफ वी डोंट गेट वॉटर वट विल हैपन टू वर्स इफ वी डोंट गेट वॉटर यानी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अपने को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा अपना क्या होगा यानी हमको पानी नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा वो बताया है क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो इफ वी डोंट गेट वाटर वी विल नॉट बी अवेल टू लीव यानी हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या होगा जिंदा नहीं रह सकेंगे पानी के बिना जीवी हम जिंदा नहीं रह सकेंगे

बाय डू क्रॉप ड्राई अप ड्राई यानी सूख जाना तो क्यों सूख जाता है जो पाक होता है वो तो इफ इट ड्रेन एंड क्रॉप आर नॉट गिवन वाटर दे ड्राई यानी बारिश नहीं आती और उसको पानी नहीं मिलता वो सूख जाता है इफ इट डस्ट नॉट ड्रेन बारिश नहीं आती एंक्रोफ आर नॉट गिवन वॉटर और जो पाके उसको पानी नहीं मिलता तो ड्राई सूख तो जाता है वो सूख जाता है पानी के बिना जो पाक होता है वो सूखा सूख जाता है ड्राई अप हो जाता है एक नंबर हाउ इज फार्मिंग इफेक्टेड इफ देर इज नो रेन हाउ इज फार्मिंग इफेक्टेड इफ देर इज नो रेन यानी बारिश नहीं आती तो खेती पर क्या असर होती है बारिश नहीं आने के कारण खेती पे क्या असर होती है No like बारिश नहीं आती तो क्रॉप पाक नहीं होता लाइक यानी नाम भी ये है ग्रेन्स पाल्स अनाज कठोर वेजिटेबल एक्सट्रा कैन नॉट बी ग्राउंड तो उसको हम उसके जो पाक होते हैं वो हम कर नहीं सकते if there is no rain crops like grains pulses vegetable etc. cannot be grown nine number what can be production with the help of water what can be प्रोडक्श विथ दॉटर यानी पानी की सहाय सहाय से अपने क्या उत्पन्न कर सकते हैं? पानी की सहाय से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपने को बिजली कहां तो से मिलती है तो पानी से मिलती है किससे मिलती है पानी से बिजली होती है जो उत्पन्न होती है जो हमारे जो घर में लाइट जलती है वो पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करते हैं। अब इसमें लिखा है आंसर में इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम कैन बी प्रोडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाटर बिजली और स्टीम यानी वराड़ वराड़ होती है जो बाप होती है वो कहाँ जाती है ऊपर बादल हैं उसके फिर वो गरजता है तो वो पानी मिलता है तो इलेक्ट्रिक एंड स्टीम बिजली एंड और बराड कैन बी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर वो दोनों वाटर से हमें मिलता है टेन नंबर में दिया है वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ द वॉटर सोर्स का मीनिंग क्या होता है सोर्स यानी स्रोत होता है स्रोत इसमें आपको मीनिंग पूछा हुआ है कि सोर्स ऑफ द वॉटर का मीनिंग क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोर्स ऑफ द वाटर यानी पानी का स्रोत का अर्थ क्या है आंसर एज द प्लेस फॉर वॉट वेयर वॉटर इज इन नाउन इज द सोर्स सोर्स ऑफ वाटर अपने को जहा से जो जगह पे से पानी मिलता है वो स्थान को शोर्ट वाटर यानी पानी का स्रोत तरीके हम पहचानते हैं उसको पानी के स्रोत के लिए पहचानते हैं उसका मीनिंग है द प्लेस फ्रॉम वेर वाटर इज ऑफ़ ऑफेनेड इज नाउ इज दर्स शोर्स ऑफ वाटर इलेवन नंबर स्टेट द वेरियस यूसेस ऑफ वाटर स्टेट द वेरियस यूसेस ऑफ वाटर यानी पानी के विविध उपयोग क्या है उसके बारे में बताना है पानी का अलग अलग उपयोग क्या करते हैं आप लोग दूसरा है और मैं बताया है वॉट आर द यूज ऑफ वाटर पानी का उपयोग क्या है इसके लिए यूज करते हो वो बताना है स्टेट ऑफ वेरियस यूसेस ऑफ वाटर पानी के विविध उपयोग और वॉट आर द यूज ऑफ वाटर पानी का उपयोग को बताया हुआ है तो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग अब पानी का यूज कैसे करते हैं पीने के लिए कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए बाथिंग नहाने के लिए वॉशिंग कपड़े धोने के लिए एंड यूज स्टील यानी बर्तन के लिए क्लीनिंग क्लीनिंग सफाई के लिए गार्डनिंग बाग काम के लिए फार्मिंग खेती काम के लिए कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टरिंग यानी जो मकानों के बांधने के लिए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टरिंग बिल्डिंग मकान बांधने के लिए प्रोडक्शिंग उत्पन्न कर विविध उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रोडक्शिंग इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो बिजली उत्पन्न करने के लिए एंड इन वेरियस स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज विविध नान छोटे और बड़े उद्योगों के लिए ये पानी का हम यूज करते हैं कि भाई नाने के लिए ड्रिंकिंग पीने के लिए खाना बनाने के लिए नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए बर्तन धोने के लिए घर सफाई के लिए बाग के लिए खेती के लिए मकान बनाने के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एंड इन वेरी स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज यानी छोटे बड़े उद्योग के लिए पानी को यूज करते हैं वॉट इज यॉट इज प्रवा, प्रवा, प्रवा क्या है वो पता है, है? प्रवाह शू तो आंसर दिया है वॉटर ट्रेपेड ऑन माउंटेन और, और हेली एरिया फाइन समे आउट एंड स्टार्ट फ्लोइंग दिस फास्ट फ्लोइंग वाटर इन नाउ इज द स्ट्रीम इसमें आपको बताया है वॉटर टेपेड ऑन माउंटेन पर्वतों अथवा तो डूंगराट तो विस्तारों जो एरिए होते हैं यानी जो डूंगर में से जो माउंटेन में से पहाड़ों में से पानी आता है उसको रास्ता मिलता है और वो झड़पती आगे बढ़ता है यानी आप लोगों ने देखा है झरना के द्वारा ऐसे पानी आता है वो बहते हुए पानी की जो प्रवाह होती है उसको स्ट्रीम कहते हैं उसको स्ट्रीम कहते हैं प्रवाह जो 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 अपना रास्ता निकाल से आगे बढ़ता है प्रवाह स्ट्रीम है वट इज जस्ट स्ट्रीम स्ट्रीम यानी प्रवाह इटले सू प्रवाह क्या है उसके भी बताया हुआ है इसमें कठिन नंबर वाई लेवल ऑफ वॉटर इन वेल्स इनक्रेजर्निंग मॉनसून वाई कारण पूछा है वाई डज द लेवल लेवल यानी पानी का सतर ऑफ वॉटर इन द वेल इनक्रेस डर्निंग मानसून यानी बारिश के समय कुए के अंदर पानी का सतर पानी की शतर होता है जो उसकी वो क्यों बढ़ती है जो लेवल होता है वो कुएं के अंदर क्यों बढ़ती है उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बारिश की सीजन होती है तो कुएं में उसका सत्तर पानी का सत्तर क्यों बढ़ता है तो उसका आंसर बताना है आंसर दिया है रेन वाटर इज स्लो स्लोली ऑब्जर्वेबल्ड इन टू द सोइल दिस ऑब्जर्वेबल्ड वाटर रिचिस द वेल देर फॉर द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल इंक्रेशिंग डर्निंग मॉनसून यानी जो बारिश का पानी होता है वो धीरे दी, धीरे जमीन के जमीन में समा जाता है फिर शोषिष्ट पानी होता है वह कुएं में पहुंचता है और उसके द्वारा बारिश के सीजन में जो कुएं का पानी का सतर ऊंचा रहता है जमीन द्वारा जो शोषण शोषित पानी होता है वो कुबे में जाता है और उसके द्वारा क्या होता है कि जो कुबे का सत्तर होता है ऊँचा रहता है पानी का नंबर व्हाट आर बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फिलेड इन ए कोपर यूटने स्टील वॉट आर द बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फिलेड इन द कोपर यूटने स्टील यानी तांबे के बर्तन में भरा हुआ पानी पीएंगे तो अपने को क्या फायदा होता है बेनिफिट यानी क्या फायदा होता है जो तांबे के जो बर्तन होता है उसमें पानी भर के पीते हैं तो अपने को क्या फायदा होता है आंसर है वाटर फिल्ड इन द कॉपर स्टील इज द डिवॉइड ऑफ ग्रेम्स बेनिफिट टू हेल्थ टू ड्रिंकिंग दिस वाटर यानी तंबे के अंदर जो बर्तन में हम पानी भरते हैं वो जंतु मुक्त रहता है इसकी वजह से हम पानी पीते हैं उसका तो अपना स्वास्थ्य ही अपने हेल्थ के लिए फायदाकारक रहता है हेल्थ के लिए फायदाकारक रहता है फिफ्टीन नंबर बीट इज आरक्यूज बाय ड्रिंकिंग डर्टी वॉटर गंदे पानी पीने से क्या होता है तो बाय ड्रिंकिंग डर्टी वॉटर इज इट लाइक टाइफ कोलेरा कोलिक और जॉन्डिस यानी कमला एक्सोटा आरक्यूज ये सब रोग होते हैं गंदे पानी पीने से सिक्सटी नंबर इन बिग सिटी विच गैस इज एसे वॉटर टू मै की ग्रेन फ्री मोटा शहरों में जीव जंतु को सूक्ष्म बनावा आनी में से क्या पसार होता है तो इन बिग सिटी क्लोरी गैस क्लोरीन गैस होता है वो इस पास करते वाटरिंग मेक द ग्रैम फ्री करने के लिए सेवनटीन नंबर व्हाट इज द एडेड टू तो विलेज वेल टू तो मेक इट वॉटर ग्रम फ्री पोटेशियम परमागेंट इज एड टू विलेज वेल टू मेक द वॉटर ग्राम फ्री यानी पानी को जंतु मुक्त करने के लिए गांव और सिटी में क्या पोटेशियम परमागेंट होता है उसको एड करते हैं वाई शुड वन नॉट ड्रिंक धर्टी वाटर अपने गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए बाय शुड वन नॉट ड्रिंकिंग डर्टी वाटर टू डर्टी वाटर क्वांटेंट ट्रेश ट्रीट एंड डेजर्ट कशिंग क्रीम्स ड्रिंकिंग सच वाटर क्यूसि शो आवर हेल्थ सफर्स ऑन ड्रिंकिंग डर्टी वाटर एंड वी फॉल शो वी शुड नॉट ड्रिंकिंग ड्रिंक डर्टी वाटर यानी गंदे पानी में कचरा गंदगी होती है तो हम बीमार हो कचरा तो गंदगी के जहजेज यानी वो रोग पैदा करता है ऐसे पानी पीने से अपना आरोग्य को नुकसान पहुंचाता है इसकी वजह से हमको गंदा पानी नहीं पीना चाहिए राइट शॉर्ट नॉट ऑन मॉनसून रेनी सीजन बरसातनी मौसम इन इंडिया द रेन सीजन इन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर है यानी इंडिया के अंदर यानी जुलाई से अक्टूबर तक की अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर के हिसाब से वो क्या है बारिश की सीजन है द मॉनसून इज फ्रॉम द टू आशो इन इंडिया रेन रर्निंग द मॉनसून यानी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से अषार के लिए से आशो सू तक वो वो रेनी सीजन है देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर बदे हरियाली छे पीपल वेयर रेनकोट एंड पीपल सब जो बच्चे होते हैं वो लोग सब पीपल लोग होते हैं वो रेनकोट पहनते हैं एंड कैरी अम्ब्रेला और छतरी बांध करते हैं फार्मर स्टार्ट फार्मिंग फ्रॉफ द सेकेंड डे अषाढ़ी बीज जो फार्मर होता है खेडूत होता है वो क्या करता है कि अषाढ़ी बीच के दिन खेती करनी शुरू करते हैं। मॉनसून द सीजन ऑफ द वेरियस फेस्टिवल एंड फेयर्स यानी मॉनसून सीजन में विविध त्यौहार और मेड़ा मेढा फेस्टिवल होते हैं और फेयर्स होते हैं डिंग दिस सीजन फेस्टिवल लाइक ये ये दरमियान सीजन में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं देखो फेस्टिवल लाइक अषाढ़ी बीच रक्षाबंधन जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी भादर पूनम दशहरा देहांत दशहरा दिवाली एक्स धन तेरस द, दिवाली समटाइम विद द रेनी वेरी हैवीली और उसमें क्या है कि बारिश हैवी बारी भी होती है वो सीजन, सीजन में रिवर्स इन द लॉट ऑफ लॉस नदियों में चलकाई जाती है, पानी ज्यादा आता है छलक जाती है यानी छोटे बच्चे होते हैं वो पेपर बोट की बोर्ड बना के वो पानी में तैराते हैं रेन वाटर ऑल्सो प्ले इन दॉटर वो लोग पानी के बरसात के पानी में खेलते हैं द इज द कवर्ड विद डार्क लाउड एंड डेयर इज द लाइटिंग जो काले बादल स्काई होता है वो काले बादलों से भरा हुआ रहता है और लाइटिंग बिजली होती है बिजली वेजिटेबल लाइक लेडीज फिंगर पीटर ग्राउंड लीडर ग्राउंड स्टैंडिंग बीन्स वगैरह आर अवेलेबल और ऐसी सीजन में सब वेजिटेबल आते हैं समझ गए ओके